यूपी के जनपद संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें चल रही चेकिंग अभियान के दौरान डीएल स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जवाबी फायरिंग पुलिस की ओर से की गई, जिसमें बदमाश अरविंद के गोली जा लगी और घायल हो गया, तथा इनके दो अन्य साथी गाड़ी में से उतरकर खेतों की ओर भागने लगा, जहां बनियाठेर पुलिस तथा एसओजी टीम ने खेतों में दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान इनके पास से एक डिब्बा जिसमें 1,25,00,000 रुपए की स्मैक बरामद हुई है, तथा इनके पास से अवैध शस्त्र एवं डीएल नंबर स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है। तलाशी के दौरान इनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं, तथा जिनके पास है बरामद हुए मोबाइल के नेटवर्क के द्वारा जुड़े अन्य लोगों को भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है सर पूरा मामला? ये आज सुबह थाना बनियाठेर के अंतर्गत पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी रोड पर, तो इसमें SHO बनियाठेर और SOG की टीम के द्वारा एक संदिग्ध गाड़ी को रोका गया, तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से जो फायरिंग की गई, उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसकी वजह से वो घायल है। दो इसमें इन्होंने भागने की कोशिश की, तो इनको पास में खेत में दौड़ाकर पकड़ लिया गया। ये एक दिल्ली नंबर की स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट डिज़ायर, इसकी तलाशी ली गई, तो इसमें इनके पास में से एक पैकेट मिला है, जिसकी जो प्रारंभिक जो चेकिंग की गई है, उसमें इन लोगों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये स्मैक है। इसकी मात्रा लगभग इन लोगों के द्वारा बताई गई है कि 1.25 किलो है, जिसकी काला बाजार में कीमत, अनुमानित जो कीमत होती है, वो लगभग 1,25,00,000 रुपए होती है। इसको केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जा रहा है। इस कार्रवाई में हमारा भी एक सिपाही को गोली लगने की वजह से घायल हुआ है। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पूरी गाड़ी की द्वारा से तलाशी ली जा रही है, और साथ में इनके मोबाइल और इन सब की चेकिंग करते हुए इनके जो नेटवर्क है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें आगे जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कितनी कीमत की जा सर बताया जा रहा सर? जो ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनका कहना है कि ये जो स्मैक इनके पास में है, इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपए है। कितने लोग फरार हैं सर? तीन लोग थे, तीनों पकड़ लिए गए हैं, एक घायल है, दो को खेत में दौड़ा के पकड़ लिया गया था। ये दिल्ली के रहने